हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर के पार्ट थर्ड को कवर करूंगा, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है अ सीपीयू कंटेंट। सीपीयू में तीन चीजें शामिल होती हैं, एक होता है एमयू, सेकंड है मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और एक होता है ALU। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक, तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो कनेक्शन स्टेबलाइज होता है वो होता है यूजर इंटरफेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीन में ये क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की क्या होता है हाइपरलिंक और रिप्लेस का। तो देखो, कंट्रोल के साथ एस से रिप्लेस होता है और कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइस। देखो, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो शेयरिंग करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। एक ऐसा डिवाइस होता है, इसे कहते हैं हम लोग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। तो हम जब किसी फाइल को ऑर्गेनाइज करके इसको सेव करते हैं तो ये सेव होता है लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका आंसर है ए, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। किस डिवाइस की जरूरत पड़ती है हमें इंटरनेट कनेक्शन में, तो यहाँ पे मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लाइट पिन। लाइट पिन क्या है, एक टाइप का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस है और दूसरा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर बोथ आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, देखो क्वेश्चन नंबर नाइन लिखा है यूनिवैक क्या होता है। तो यूनिवैक का आंसर होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम क्या होता है। तो सीडी रोम को होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका आंसर है डी। ALU का होता है पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है VGA इज, देखो VGA का होता है पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर, ठीक है। तो 12 नंबर का जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSI स्टैंड फॉर। तो MSI का पूरा नाम होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है इसमें वैन स्टैंड फॉर। तो वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR स्टैंड फॉर। तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, ABCDIC कोड इज, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, तो आंसर नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे है ALU एंड लॉजिक यूनिट। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
कैड, तो कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये एक टाइप का आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर का मोस्टली कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज। देखो नॉन न्यूमेरिक डेटा में क्या ऑप्शन आएगा उसको हम देखते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा एम्प्लॉय का नाम। देखो एग्जामिनेशन स्कोर क्या आएगा वो नंबर में भी हो सकता है, बैंक का बैलेंस हो सकता है वो नंबर में। यहाँ पे क्या पूछा है नॉन न्यूमेरिक डेटा यानी अल्फाबेट की बात हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिटी, उसकी एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में सबसे जो तेज मेमोरी होती है वो होती है कैच, इसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और इससे भी छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर। ठीक है, सबसे स्पीडेस्ट की बात करें और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो होता है उस मेमोरी का नाम रजिस्टर, रजिस्टर से ये बड़ा मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज इज डेटा मेड मीनिंगफुल। तो इसका आंसर है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। देखो डेटा रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट को, वेयर एज किस में, इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं मीनिंगफुल। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है बी, डीएमए का पूरा नाम होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।